और भाई इसका लुक चेक करो एक बार, कितना सही लग रहा है। आइए इसके सबसे मेन जो है इंटरेस्टिंग पार्ट, तो भाई इसका बताने वाला हूँ मैं प्राइस, बट उससे पहले हाँ तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके, उम्मीद खैरत से होंगे। तो भाई आज की हमारी वीडियो होने वाली है टायर्स के ऊपर, क्योंकि भाई हमने अपनी बाइक्स में इंस्टॉल करवा लिए हैं न्यू टायर्स। रमन की बाइक में भाई दोनों टायर इंस्टॉल कराए हैं, फ्रंट भी और बैक भी, और जो भाई मेरी बाइक है इसमें हमने सिर्फ फ्रंट टायर इंस्टॉल कराया, क्योंकि भाई पिछला जो टायर है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। तो भाई बता दूं मैं फ्रंट टायर के बारे में अपनी बाइक के, तो इसमें हमने इंस्टॉल करवाया है भाई MRF का 80 नंबर का टायर, ठीक है। इससे पहले भाई इसमें डाला हुआ था TVS का टायर, वो भी 80 नंबर का था, लेकिन भाई इसकी जो क्वालिटी है TVS के टायर से भाई बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। और ये टायर जो भाई पहले मैं डलवाने वाला था, लेकिन मेरे भाई ने डलवाया ये टायर, क्योंकि उनका कोई जानकार था बंदा, तो ये मेरे को पड़ा भाई 1600 रुपये का। और अगर आप वैसे नॉर्मल मार्केट में से डलवाओगे तो ये आपको 1800 से 2000 तक का ही आपको पड़ने वाला है, ठीक है भाई। तो और आपने भाई रमन की बाइक पे, तो इसकी बाइक में डला हुआ है भाई सेंटोर का टायर, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। तो भाई इसकी बाइक में सेंटोर का टायर, इस टायर से पहले भाई इसमें डला हुआ था 100 नंबर का MRF का टायर, ठीक है। तो अभी वो चेंज करवा के इसने 120 नंबर का सेंटोर का टायर डलवा दिया है, ठीक है भाई। और ये जो टायर है ना, ये भाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता, आगे आ जाओ भाई जरा एक मिनट, ये देख रहे हो भाई, ये ऐसे दबाओगे ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टायर है। और ये जो टायर है भाई स्पेशली जो है ये लीन के पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है। अगर आपको इस टायर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रमन ने इसके ऊपर पूरी व्लॉग शूट किया हुआ है, ठीक है, आप उसके चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो भाई आइए इसके पिछले टायर पर चलते हैं। तो भाई ये चेक करो आप इसका पिछला टायर, जो कि ये भी भाई सेंटोर कंपनी का ही अपना, पहले भाई पीछे डला हुआ था इसमें 140 सेक्शन का टायर, और अभी फ़िलहाल इसमें डला हुआ है 180 सेक्शन का टायर। और भाई इसका लुक चेक करो एक बार, कितना सही लग रहा है। तो भाई इसके ऊपर पहले इसका ये चेक करो, यहाँ मडगार्ड लगा हुआ था, ठीक है, वो हमने हटवा दिया, क्योंकि भाई अगर वो होएगा इस पे तो भाई टायर की लुक नहीं आएगी बिल्कुल भी, तो वो भी हमने हटवा दिया है। तो ये अब 180 नंबर का टायर इसने डलवा लिया। और आइए मैं आपको अपनी बाइक का पिछले वाला टायर दिखाता हूँ। तो भाई ये है भाई 100 नंबर का, ठीक है, टायर, ये MRF का टायर है। नॉर्मली भाई स्प्लेंडर में जो है 80 नंबर का टायर होता है पीछे, और आगे फ्रंट टायर जो है वो होता है 60 नंबर का। तो भाई अपनी बाइक में ये है 100 नंबर का टायर, और भाई ये काफ़ी सही है अभी, ये मतलब इसको भी 2 से 3 साल हो चुके हैं भाई बाइक में डले को। और एक मिनट आगे आ भाई, जरा क्वालिटी चेक करा दे टायर की। तो भाई अभी चेक कर सको इसकी गुड्डियाँ हैं, ठीक है, अभी घिसी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मुश्किल से इसमें एक पंचर हुआ है, वो भी मुश्किल से हुआ, मेरे को ध्यान भी नहीं है कब हुआ था। तो भाई MRF की जो क्वालिटी है ये भी भाई एक नंबर है। और जो अगर आपके पास स्प्लेंडर से ज़्यादा बड़ी बाइक है, जैसे कि भाई ये MT अपने पास, तो इसमें अगर आपने लीन पर्पज़ के लिए डलवाने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टायर है सेंटोर के, तो आप ये डलवा सकते हो, ठीक है। आइए इसके सबसे मेन जो है इंटरेस्टिंग पार्ट, तो भाई इसका बताने वाला हूँ मैं प्राइस, बट उससे पहले अगर कोई भी भाई हमारे इस ब्लॉग को चंडीगढ़ से वॉच कर रहा है और ये टायर डलवाने में इंटरेस्टेड है, तो भाई मैं उसको बता दूँ ये टायर हमने डलवाया है सेक्टर 21 चंडीगढ़ से, ठीक है। बट यार मेरे को शॉप का आइडिया नहीं है कौन सी शॉप से उसने डलवाया, क्योंकि उस दिन मैं नहीं गया था साथ में, सन्नी गया था। सन्नी याद है ना, वही जो हमें हमेशा ट्रिप पे रास्ते खुलवाता है, वही वाला सन्नी भाई साथ में गया था, ठीक है। तो मेरे को तो अभी आइडिया है नहीं, तो भाई एक बार रमन का ब्लॉग जो वो चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो आइए इसके जो मेन पार्ट है, तो भाई हमें इसका जो पिछला टायर है ये पड़ा है भाई 13,500 का, ठीक है। और जो फ्रंट टायर है ये पड़ा है भाई हमें 11,500 का, और ओवरऑल जो दोनों हमें टायर की कॉस्ट पड़ी है ये पड़ी है भाई हमें 25,000 इसकी ओवरऑल कॉस्ट पड़ी है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। जब मैंने शुरू में सुना तो भाई मेरे को लगा क्या ही डलवा लिया, लेकिन जब मैंने टायर देखे ना तो काफ़ी सेटिस्फाइंग है, ठीक है। और भाई एक चीज़ और, रमन अभी थोड़े दिन पहले क्या, अभी 2-3 दिन पहले गया था राइड पे, 100-150 किलोमीटर की राइड मारी है, तो भाई इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहा है, ठीक है। तो अगर आपने डलवाने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार अपनी पॉकेट देख लेना भाई, अगर आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है तो ही डलवाना, घर वालों पे अपने बिल्कुल भी बर्डन मत डालना इस चीज़ के लिए, ठीक है।
तो भाई जो चौड़े टायर होते हैं ना, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इन्हें डलवाने के बाद, तो भाई अलग ही होता है, क्योंकि इनमें फिसलने का डर नहीं होता। क्योंकि भाई इसीलिए मैंने जो मेरी बाइक है इसमें भी इसीलिए चौड़े टायर डलवाए हैं, क्योंकि भाई जो छोटे टायर होते हैं ना पतले, वो लीन करते वक्त ना फिसल जाते हैं, तो उनका भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बाइक का भी और हमारा खुद का भी। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।